ये ट्रक आ रहा है देखो इसके पीछे, उस व्यक्ति को बिल्कुल पता नहीं कि उसकी वो छोटी सी गलती जो है उसके लिए नुकसानदेह हो जाएगी। ये जाके खड़ा हो गया, वो रोड के बीच में जाके खड़ा हो गया और पत्नी को उतारने लगा। अब देखो क्या हुआ उसके साथ, वो गलती सुधारने का मौका मिला। अब जब कभी भी दो पहिया वाहन चलाऊंगा अपने घर से निकलने के साथ ही हेलमेट का धारण करूंगा, रेड सिग्नल पे रुकूंगा, कभी भी दूसरे की लेन पे नहीं जाऊंगा और यातायात के हर एक नियमों का पालन करूंगा। धन्यवाद। पर लोगों में यातायात नियमों के पालन करने के लिए और उनमें जागरूकता लाने के लिए लगातार कार्यक्रम कर रहे हैं। इस दौरान यहां पर आज यातायात तिराहे पर लगभग 200 मोटरसाइकिलों को रोका गया जिन्होंने हेलमेट वियर नहीं किया था, और उनसे ये शपथ दिलवाई गई कि वो आइंदा जब भी दोपहिया वाहन राइड करेंगे तो वो हेलमेट वियर करेंगे, हेलमेट को पहनेंगे, यातायात का नियम पालन करेंगे और रेड सिग्नल का में कभी भी गाड़ी आगे नहीं बढ़ाएंगे। इस प्रकार आज हम अलग अलग चौराहों पर, अभी हम यातायात तिराहे पे थे, अब इसके बाद हम इंदिरा तिराहे और सत्कार तिराहे पे इस तरह की कार्रवाई करेंगे, इस तरह का कार्यक्रम चलाएंगे। हमारे साथ में माननीय श्री यमराज जी हैं जो लोगों को अपनी ही मुद्रा में अपने ही तरीके से ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि अगर यातायात का वो उपयोग करते हैं, सड़क का उपयोग करते हैं, वाहन का उपयोग करते हैं, वाहन चलाते हैं, तो यातायात नियमों का पालन जरूर करें। आज वो आपको बताने आए हैं और कल वो आपको ले जाने आएंगे। हमारे साथ में रोड एंड ट्रैफिक सेफ्टी फाउंडेशन, रोड सेफ्टी टीआरएसएफ, ये एक संस्था है जो हमारे साथ काम कर रही है, सत्कार है, लायंस क्लब है, इस तरह सभी एनजीओ इस कार्यक्रम में हमारे साथ बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे हैं और लोगों में जागरूकता लाने के लिए अपने अपनी तरफ से अपना अपना एक अनोखा प्रयास कर रहे हैं, और यातायात पुलिस के साथ में मिलकर सभी यातायात नियमों के लिए यहाँ पे लोगों में जागरूकता लाने का प्रयास कर रहे हैं। ये सिर्फ ना सिर्फ इस सप्ताह भर बल्कि हम इसके आगे भी, जब तक कि हम हर एक आखिरी आदमी को यातायात नियम का नॉलेज नहीं दे देते या उनका हेलमेट धारण नहीं करवा देते, लगातार हमारा प्रयास होगा कि हम ये मुहिम चलाते रहें। अभी हम लोगों को बताने का, लोगों को सिखाने का काम कर रहे हैं, इसके बाद फिर आवश्यकता पड़ी तो सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस कार्रवाई में लोग अगर रेड सिग्नल को तोड़ते हैं तो उनका लाइसेंस का निलंबन, और यदि 3 सवारी चलते हैं तो उनके लाइसेंस का निलंबन, ये कार्रवाई हम बिल्कुल लगातार को लेते हुए जो 8 दिन का कार्यक्रम है, तो यहाँ TRSF की पूरी टीम है, लायंस क्लब के मेंबर्स हैं और हमारे साथ में संकल वेलफेयर सोसाइटी जो कि रेगुलर समाज सेवा का कार्य करती है। तो हम लोग ने ये 8 दिन में सड़क सुरक्षा सप्ताह में लोगों को जागरूक करने के लिए यहाँ पे यमराज जी को बुलाया है, जिसमें मैं स्वयं आया हूँ। क्योंकि क्या है कि लोगों को इंसान की बातें समझ में नहीं आती हैं, तो भगवान को खुद आना पड़ा है ताकि लोग समझ जाएँ कि हम यमराज के पास ना जाएँ, यमराज हमारे पास आए तो हम लोग हेलमेट लगाएं और यातायात के नियमों का पालन करें। किस तरीके लोगों को आप समझाते हैं? इस तरीके के लोगों को जो बाहर से आए हैं, आप देख रहे हैं दिन व दिन मतलब एक्सीडेंट से ज़्यादा मृत्यु हो रही है, ठीक है, लोग अवेयर नहीं हैं। तो ये अवेयरनेस के लिए हम लोग जैसे 3 जो गाड़ी में 3 बैठे हैं, है ना, यातायात के नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं, है ना, जो गाँव देहात से बाहर से आए हुए हैं जो बिल्कुल हेलमेट का उपयोग नहीं करते हैं, तो ऐसे लोगों को हम लोग समझाते हैं और उनको अवेयर करते हैं। और जो लोग हेलमेट लगा के चल रहे हैं, नियम का पालन कर रहे हैं, उनके लिए उनके आपको रोड बना के आपकी ईमानदारी करने के लिए ये है वाइट लाइट। भाई तुम कह रहे हो ये व्हाइट लाइन है और येलो लाइन है, इसका मतलब क्या है? गाड़ी नहीं खड़ी होंगी दुकान, आप अगर आप ट्रैफिक को रोकेंगे, ट्रैफिक को आप यहाँ बाधा पहुँचाएंगे तो दुकान बंद कर दी जाए, बिल्कुल दिमाग में रखिए। मैं गाड़ियों को उठा के जाके चला करूँगा, बिल्कुल दिमाग में बना लीजिए, गाड़ी अंदर करिए किसकी है।
इनको भी रखो, इनको भी रखो, इनको भी रखो, रखो। चलो वहाँ कर स्कूटी हीरो।